खबरनाक ईद स्पेशल में सेवैयां खाई जा चुकी हैं, ईद की गहमा गहमी चल रही है, ईदियां बट रही हैं और हम भी आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी ईदी लेकर आए हैं। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार जियो के मारूफ एंकर्स मौजूद हैं। चार तो एंकर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये पांचवा क्या है, इधर बकरा बांधा हुआ है। आप क्या हैं मतलब? अली मीर, I thought you were sensible enough. मैं तो हमेशा यहाँ मौजूद होती हूँ। अगर आप अलाउ करें तो मैं आज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि हमारे साथ आपके सामने कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, आज आयशा बख्श हमारे साथ बैठी हुई हैं और जो जिन्होंने न्यूज कास्टिंग को ऐजाद किया है। ऐजाद किया? हाँ, इन्वेंट इन्होंने किया था। अच्छा। पहले बल्कि इन्होंने तो टीवी के डब्बे का भी बताया था, इसका नाम कल से टीवी होगा। और हम लोग रिपोर्ट कार्ड की एंकर है, क्या कर रहे हैं आप? वो है, ये बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है, आपको नहीं पता। मेरी नानी बताया करती थी कि वो आयशा बख्श की फैन थी बहुत बड़ी, और उनको ये नानी नानी तो टीवी शो बिजनेस है। मैं बता रहा हूँ कि आयशा बख्श इतनी सीनियर एंकर हैं, हमारी फेवरेट, इसमें कोई शक नहीं। आप ये देखें के? ये एक ऐसी हस्ती हैं के? जो कभी भी नहीं हंसती हैं। रिपोर्ट इस वक्त हंस रही है, रिपोर्ट कार्ड में मैंने इनको जब भी देखा है इंतहाई गुस्से में देखा है। अच्छा, लेकिन दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द शो, और ऐसे हालात में इन्होंने न्यूज कास्टिंग की है। हालात क्या मतलब, हालात कैसे? कभी स्ट्राइक होती थी, कभी टायर जल रहे हैं, कभी जलाओ गलाओ हड़ताल। और मुझे याद है उन दिनों में, हाँ जी, उन दिनों में भी जिस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आती थी और आयशा बख्श आती थी, तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, देखते ही कहते थे लो जी आ गई को पैड़ी, आ गई को पैड़ी खबर। फिर ये इतनी सीनियर है जी, इतनी सीनियर है कि कितनी, अब तो मुझे भी कुछ एहसास हो रहा है, पता आपका शुक्रिया। मेरे साथ राबिया अनम बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, सारी दुनिया उनकी इतनी बड़ी फैन, बल्कि ये राबिया अनम कम और मुझे साइकिल की घंटी ज्यादा लगती है। साइकिल की घंटी, क्योंकि जब भी मैंने देखा ना खुश आमदेद खबरों में, मैं हूँ राबिया अनम। और बल्कि ये खुश आमदेद खबरों में, आपको याद है स्कूल में जिस वक्त छुट्टी हुआ करती थी, हाँ तो एक घंटी बजा करती थी, राबिया अनम राबिया अनम 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 अनम। और उनके साथ हमारे साथ आज शजिया बैठी हैं। जी जी, शजिया न्याजी मेरे मुताबिक से प्रोग्राम की मेजबान है। जी, मेरे मुताबिक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इनके मुताबिक कुछ भी नहीं होता। इनको कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती। आयरन शो करते ना, आयरन आयरन शो, जाहिर है हसन सार साहब ना नरम तो हो नहीं सकता। आपको ये नहीं पता, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए इनकी। वो क्यों? वो क्यों? हसन निसार के सामने स्माइली फेस रखना। भाई वो अपना काम करते हैं, वो खुद मुस्कुराती रहती है। आयशा को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए क्योंकि वो आपके साथ हंसता हुआ चल रहा है। और हसन निसार साहब भी हंसते हैं अली भाई, जब कोई ऐसी खबर आती है ना कि देखिए गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया, फिर हंसते ये दो नंबर ड्रामेबाज इकट्ठे हो गए। ये इतने इतने बड़े बूट पहनकर पानियों में घुस जाते हैं, ये सब ड्रामा है, कट्टी कट्टा निकालो। आयशा आपका बचपन पाक वतन में गुजरा, माहौल इतना सपोर्टिव था कि इतना आगे आ सकी, या ये सब कुछ सेल्फ मेड है? आयशा सेल्फ मेड तो खैर कुछ भी नहीं होता है। ओके, इसके पीछे सपोर्ट तो होता है। अच्छा, माहौल कहने को कह सकते हैं, छोटा शहर था जब मैंने पढ़ा, शायद लोग कंजर्वेटिव होंगे किसी हद तक, लेकिन मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट ऐसी मेरे साथ रही है कि अगर आज मैं कुछ हूँ तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और 100% रही। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, भाई पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो इंसान एक कदम नहीं चल सकता। अच्छा, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आयशा बख्श बात कर रही हूँ, साथ काउंटिंग नहीं हो रही, 9, 8, 6, 5, 4। उसको ज्यादा अजीब लग रहा है कि आयशा बख्श गल कर रही थी, नियाजी साहब की आवाज में ठहरो पहले मेरी सुनो ठहरो। नहीं तो आपने स्टार्ट तो पाक पतन से किया था ना, जो मैट्रिक आपने मेरे साथ पाक पतन से किया था। मैट्रिक मैंने साहिवाल से आगे किया, एजुकेशन स्टार्ट पाकपतन से ही था। उसके बाद मैट्रिक साहिवाल इसलिए किया था कि मेरे पेरेंट्स को तब लग रहा था कि गालिबन पाकपतन में उस तरह की एजुकेशन नहीं जो वो चाह रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने साहिवाल कॉन्वेंट से मैट्रिक किया, फिर FSC की वापस पाकपतन से। अच्छा, ग्रेजुएशन के लिए मैंने आर्ट्स लिया था, तो सब्जेक्ट्स पाकपतन कॉलेज में नहीं थे। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, फिर साहिवाल आ गए। यानी आप उस बिल्ली की तरह थी जिसको जिधर भी नहर पे छोड़ गया वापस आपसे पहले वो दोबारा घूम के पाकपतन। कोशिश की थी जहां बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकूं, मेरे वालिदैन का सपोर्ट रहा कि मैं वहां तक पहुंचूं। और तालीम आगे लोग जाते हैं वापस पाकपतन, पाकपतन में भाई आपने इन्होंने अभी देखना चूहा सैदन शाह से भी इन्होंने एमफिल करना है। चूहा सैदन शाह में लोग नहीं रहते? नहीं, लोग रहते हैं लेकिन लोग आगे को बढ़ते हैं, ये वापस पाकपतन में घूम के फिर इन्होंने चक चुमरे से PhD करना था। अच्छा जी, साहिवाल ते पाकपतन नजदीक ही है, मेरा ताया उत्थे यकीन करो साइकिल दे उत्ते चूचे भेजदा हुंदा सी। कहां, पाकपतन या
साहिवाल साहिवाल कदी ओथे कदी उधरो चूचा फड़ना उधर चले जाना ओथो फिर उन्हें एक चूचा फड़े आए थे लाहौर छड़ के तो निकल गया पीर साहब फोकस वो कर रही हैं पेरेंट्स पे वालदैन एहतियात कर रहे हैं तो बच्चे भी खूबसूरत होते हैं उसलीम वाल देख लो माँ प्यो दियाँ बेतियातियाँ लगता नहीं मुंडा लगता सोफे से किसी ने जराब सुकने पाई ज्यादा पहचाने पाई है सूट भाभी वाला पाया जे माँ बाप बच्चों की एहतियात नहीं ना करते वो फिर सेंटर चो गंजे होंगे आपको कह रहे हैं आपको आगा जी आपको ईद वाले दिन भी नहीं बख्शा मैंने पता है मैं कोमे च मैं नहीं पता मेरी गल मैं ऐसे जाहिल आदमी नो मुंह नहीं लांदा अच्छा मुझे लगा आप खा खा के खा खा के वो खा के मैं जियो दे आठ कैमरे खा गया आज सुबह नमाज पढ़ के सवैयां पता कहां खाई हैं इन्होंने कहां खाई हैं जिथे बनदियां नहीं उथे छड़ आए सर वैसे तेरे मुंह दे हिसाब नाल उर्दू बनती है नहीं भाई उर्दू क्यों ना बोले बोल उर्दू अल्लाह तो देख रहे हैं ना बोल उर्दू में गुफ्तगू क्यों नहीं करने दे रहे उर्दू हो भी तो ठीक ना सवेरे कह रहे सन आज मैंने ब्रश किया मेरे दांत चीटे हो गए आयशा देखें कहीं से भी पीएचडी की हो अगर आखिर में अली मीर के साथ ही बैठना है तो फिर ना ही करें पीएचडी अच्छा आयशा पाक पतन साहिवाल फिर मीडिया में कैसे आना हुआ आयशा मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेड किया फिर वो रावलपिंडी से किया फातिमा जिना विमेन यूनिवर्सिटी से अच्छा यानी उसके बाद अब रावलपिंडी हां कम्युनिकेशन साइंसेज में एमएससी वेरी नाइस और फिर रास्ता मीडिया की तरफ खुल और तुसी देखो इलाके कैसे ने जिथे देगे ने उथे मुड़ किदे जाऊं है देखो पढ़े किथे ने पापा जी मैं तुसा की पढ़ा सा आगे जासो ताकड़ा मेरा बाग पतन साईवाल फिर शजिया जी बिल्कुल शजिया भी मियांवाली से बिलोंग करती हैं शजिया अमूमी तासर ये है कि वहां का माहौल लड़कियों के लिए बहुत कंजर्वेटिव है कहीं वो माहौल आपके स्क्रीन तक आने में हायल तो नहीं हुआ नहीं बिल्कुल भी नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं बड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया है लेकिन वही बात जो आयशा ने की कि अगर पेरेंट्स की सपोर्ट है ना आपके साथ तो फिर बाकी कोई हर्डल कोई यानी कोई अगर मुश्किल मैटर नहीं करती अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है बिल्कुल तो फिर आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं हाँ जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या कैसा एरिया है आप स्क्रीन तक कैसे आए मैंने पहले यहाँ पे मैंने बीएस ऑनर्स किया है okay. तो ड्यूरिंग दैट मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी जंग न्यूज़पेपर में अच्छा तो वहाँ एडिटोरियल डिपार्टमेंट में मैंने स्टार्ट लिया इंटर्नशिप से तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ ऑफर हुई जियो में मेरे मुताबिक के लिए तो मैंने तो सोचा कि अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्यों? एक तो मैं पठान मियांवाली से फिर ऊपर नियाजी रेंडमली मैंने पेरेंट्स से बात की किस तरह से मुझे ऑफर हुई है कह रहे हैं कि आप ट्राई करो तो उनका रिएक्शन क्या था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वो होगा ना ड्रामा क्रिएट होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और हम अलाउ नहीं करने वाले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दे वर लाइक क्यों नहीं किया तो अच्छी बात ही आप पढ़ रहे हो इसी में तो यू शुड हैव गॉन फॉर इट आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मतलब ये तो उलट ही सीन हो गया अच्छा मुझे ये तो टोटल एंटी क्लाइमैक्स हुआ शुक्र है ना पॉजिटिवली पेरेंट्स ने इजाजत दे दी वरना उन्होंने एक सेकंड तो पहले यू टर्न लेना था यू टर्न क्यों भाई जैसे नियाजी पठान इमरान खान ऐसा तो नहीं कि जैसे नियाजी साहब बड़ी मुश्किल से सिंगर बने हैं ताउला नियाजी साहब आपको भी ऐसा मुश्किल पेश आई हो मतलब आप ये किस लिहाज से पूछ रहे हैं फैमिली के उन्होंने काले कपड़े पहने हो ना वो अताउल्ला ईसा खेल भी गाते होते ना कमीज तेरी काली ने सोने फूलों वाली खुदा के लिए मुंह तो ठीक कर पावे फसे तू बोले तेरु ले जाड़ो मियां वाली बल्कि हम सबको कहना चाहिए जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे लेकिन साथ ये भी बताना चाहिए ना कि जियो तो कैसे जैसे देखो ना आगा साहब जैसा बंदा इतने हैवी जुस्से के साथ बाथरूम में फंस जाए और कोड़ी ना खुल रही हो बाहर से हम गा रहे हो जियो तो ऐसे जियो दिखा देते हैं बहुत अच्छे आयशा जी एड्डा मोटा बंदा बाथरूम च फसया नजर नहीं आया ए नजर आ गया नाज़रीन
ईद की रौनकें यूं ही जारी सारी है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। राबिया हमने सुना है बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं। आप गुनगुनाने की बात करती हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, ये बुक्स इतनी बुक्स पढ़ती हैं, था ना ये आपके पढ़ने का कितना। अच्छा वैसे मैं फिटे मुंह उसका जिसने आपको कहा है कि मैं किताबें पढ़ती हूं। मुझे क्या पता, और फिटे मुंह उसका जिसने आगे कहा है कि मैं किताबें पढ़ती हूं। आयशा बता रही थी मुझे। आयशा ऐसी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ती। अच्छा राबिया हमने सुन रखा है कि आप बड़ा ही अच्छा गुनगुनाती हैं। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन आपको पता है मेरे फेवरेट सिंगर कौन है? कौन है? वो जो खबरनाक में गुनगुनाता है। हाँ, सारी बात है, मैं गाता हूँ खबरनाक में, खाता भी हूँ। नहीं आप अकेले थोड़ी गाते हैं, सलीम साहब ने इतने गाने गाए हैं, मेरा ख्याल मेरी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अली मीर की। अगर आप अली मीर से मुतासर है तो फिर आप बहुत ही अच्छा गाती होंगे। अली मीर वैसे मेरे फेवरेट सिंगर हैं तो नहीं, लेकिन मैं आपकी ये बात सुनना चाह रही थी इसलिए मैंने इनका नाम लिया है। तो मैं आपको पश्तो गाना सुनाऊंगी ताकि आप लोग अली मीर की तरह फिर मेरा मजाक ना उड़ा सके। अच्छा वैसे आप कोशिश करके देख लें, मजाक तो फिर भी उड़ जाएगा। तो फिर अली इजाजत है। दस्तरगे जादूगर दीदा में नाले बन दा जानान जानान, दस्तरगे जादूगर दीदा में नाले बन दा जानान जानान जानान, चिपके उसे सुमरे खोले दुनिया दीदा जानान 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 जानान। बहुत अच्छे, जानान तो इलावा कोई समझ आई हो। अच्छा राबिया आप तो कराची की पली बड़ी हैं, उर्दू से जाहिर आपकी शनासाई वहां से हुई, पश्तो आपकी मादरी जुबान है, तो पंजाबी किससे सीखी? पंजाबी केड़ी कोई जुबान है, पंजाबी तो कैफियत है, किसी ते भी आ जाती है। वाह वाह, ये आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि पंजाबी एक कैफियत है जो आ जाती है। और मेरी अम्मी का ताल्लुक क्योंकि पंजाब से, और मेरा पूरा ननियाल पंजाब का है। अच्छा, तो इसलिए मैं पंजाबी भी बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ, और वैसे हम पठान है तो पश्तो भी बोल लेती हूँ। आपने तो पंजाबी जुबान की अपने अंदाज में तशरीह कर दी, लेकिन पंजाबी खुद इटसेल्फ बहुत बड़ी जुबान है, बड़े बड़े शायर गुजरे हैं इसमें और सूफी शोरा गुजरे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने ये बात ठीक की कि पंजाबी एक कैफियत है। हाँ जी, जुबान तो देखो उर्दू जी बंदे की लड़ाई भी हो जाए, अबे चला जा नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा तुझे पता चल जाएगा, ते पंजाबी ओ जाना का मामे खा हुरे फेरा फिर देख। ये भी बड़ी अच्छी उर्दू बोल दी है। मैं तो सिरी पावली दुकान ना पाना है, प्याले जी दो पावे पाओ, ये ऑर्डर अजीब तरीके ने दे, अरे भाई वो प्याले में दो कदम डाल दीजिए। अगो दुकानदार भी शरारती होना, कहना कदम तो खत्म हो गए, दो छलांगे डाल। अली क्योंकि आप मेरे फेवरेट सिंगर हैं तो क्यों ना गाना सुना जाए आगा साहब से। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है खबरनाक ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। ईद का मौका हो, आप यहाँ मौजूद हो तो डमी म्यूजियम में क्या हो रहा होगा? जी जनाब जरा डमी म्यूजियम कॉल कीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम। कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक गिलानी साहब। मैं क्या, बहुत बहुत ईद मुबारक गिलानी साहब। चन चन दे सामने आ गया मैं, दो वहां तो सदके जावा सोनियो, शाजी ईद मुबारक। शाजी मेरे वालों में ईद मुबारक। अरे वाह वाह वाह, खैर मुबारक भाई। आज वो उस मुल्तानी गेंडे की आवाज नहीं आ रही। ईद मुबारक, ठीक है, हो गई ना बात खत्म। क्या हाल है सही, ईद के में गुजरी में सारा कुछ ठीक है? नहीं 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 नहीं, तो दो मिनट बात कर लेने दे। हैं एक मिनट सारे ना गाल करो, सेब तो बंदे हैं तो इवन ना। अच्छा गाल ये है, वो सेब भी मैं को बुला कर दावत करूं। हाँ। मैं उनसे मोहब्बत करूं। की में गुजरी ईद, की में गुजरी सारी बहुत अच्छी गुजरी है यार। सेब सेब खादन सेब है सेब खादन, पिछले 5 साल खादिया ने ऐद की नहीं खादिया। तो
मैं ये कह रहा था कि आयशा जी आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं जी, इतनी खूबसूरत, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आयशा बख्श की बात। आई नो दैट। तो आयशा जी आप इतनी खूबसूरत हैं जी, इतनी खूबसूरत हैं जी जी, आप इतनी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। ये मेरी वाली आयशा थती तो नहीं है? जिनसे मुखातिब हूँ, जो सेलिब्रिटी हैं, जो सारे पाकिस्तान, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। वाओ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पूरे डबे म्यूजियम में इनकी क्वेरी सुनता है। आयशा आप क्यों सुन रही हैं? सर आप कहती हैं तो सुनना बंद कर दे। आयशा बख्श जी आपको बिल्कुल मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जानते हैं क्यों? क्यों? आपके प्रोग्राम में भी सीधा कैमरे में देख के बातें कर रही हूँ। कॉमेडी तो है, पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। अबे तू अपना मुंह बंद करेगा दो मिनट के लिए? करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ दो मिनट आप जरा मुंह बंद रखें। भाई जेंडर का ख्याल रखें, आज ईद का दिन है, करेगी। आयशा जी जी आपको नहीं कह रहा आयशा बख्श, आप बता सकते हैं इतना कंफ्यूजन है? आयशा जी आप मुझे, मैं आपका बहुत बड़ा एडमायरर थ्रू आउट माई लाइफ, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका हर बुलेटिन मैंने 6-6 बार रिवाइंड करके देखा। और बुलेटिन तो लाइव होता है गिलानी साहब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, या अल्लाह मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। व्हाट डू यू मीन ख्वाब नहीं देख रहे? इतने आयशा बख्श उतो राबिया आनम भी मार था गए हैं। भाई यक ना शुद्ध तीन तीन शुद्ध, हमारे साथ शजिया न्याजी भी मौजूद हैं। वाओ जी गिलानी साहब किसे हैं आप? मेरे मुताबिक भी शजिया न्याजी है। हाँ? किसी ने सच कहा है, वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता। क्या मिल गया आज आपको गिलानी साहब? और राबिया जी सब कुछ मिल गया। क्या मतलब? यानी कि हर स्लॉट मिल गया। अल्लाह तुहाड़ा भला करे ते 7 to 8 बजे वाला स्लॉट, 8 to 9 वाला ही, भला होए ते 12 to 11 वाला भी, ते मेन स्लॉट भी, स्लॉट भी जिदे च तीनों बैठे ने। गिलानी साहब ये स्लॉट आपको मिल गए, जो अपना वजीर आजम बनने का स्लॉट था वो तो आपसे ले लिया था। आपको वो सारा दौर याद है? बिल्कुल याद है गिलानी साहब, हर एंकर को याद है। हम कैसे भूल सकते हैं वो तारीख साज लम्हे? हमें आपसे पूरी हमदर्दी है गिलानी साहब। बड़ी गल है वैसे, दोनों कुड़ियों ने याद है गिलानी साहब, नहीं तो छोटिया छोटिया होंगे सन उदो। अच्छा आप आयशा से बात नहीं कर रहे? भाई आयशा से मैं कह रहा हूँ, आयशा बख्श की तो मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो आयशा एक बात याद रखना। जी जी मैं सुन रही हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा, आयशा बख्श की बात कर रहा हूँ। आयशा बख्श एक बात याद रखना, इस दुनिया में अगर कोई आपका सबसे बड़ा फैन है जी, तो वो मैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ मुझे एक दिन आप जहर लगी। कौन सा एक दिन था गिलानी साहब? शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा था आपका। ओहो, ऐसा क्या हुआ गिलानी साहब? इन्होंने मेरी मौतली की खबर पढ़ी। आपकी मौतली की खबर तो पूरे मीडिया ने पढ़ी थी। गिलानी साहब खबर तो मैंने पढ़ी थी, दी तो जज ने थी ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बात तो सुने ना, खैर अपनों पर क्या गुस्सा आयशा जी, आप पर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अबे आयशा बख्श की बात कर रहा हूँ। जी जी कही है। हाँ। मैं सुन रही हूँ आपको। अल्लाह रहम करे कि इमरान खान आ जाए, दोनों पासे बिजत हो रही। वाओ आज का प्रोग्राम तो फैंटास्टिक ट्रांसमिशन, जाहिर है। अरे आज तो अली भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूटी माशाल्लाह। थैंक यू सर, आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से। नहीं नहीं मैं अली गिलानी की बात कर रहा हूं। आज दे हर पासे बिजत हो रहे। हाय हाय हाय, आज तो राबिया आनम भी आई हुई। अच्छा अकेली राबिया पे आपकी नजर पड़ी है, शजी और आयशा भी आई हैं। हाँ आयशा मैंने देखा माइंड करती हैं उनकी तरफ, मैं बात करता हूँ। तो आपको क्या पता कि मैं माइंड ना करूँ आपकी कोई बात? आप मेरी बात माइंड कर ही नहीं सकते। क्यों जी? पहली बार तो थोड़े नाल गल हो रही है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, मेरे अंदर एक बड़ा सस्पेंस है। आपके अंदर सस्पेंस है या आपको किसी बात का सस्पेंस है? मेरे अंदर बड़ा सस्पेंस है। इलाज कराओ अपना, मेरे ताए के अंदर भी सस्पेंस या को हो गया जी। अच्छा तो मैं बता रहा था राबिया आनम। अच्छा बात सुने सर, आप ना बात बिला वजह लंबी करते चले जा रहे हैं, मेरी मियां साहब से बात कराते हैं। किन के मियां साहब से बात करना चाहते हो? जनाब मेरी बात छोटे मियां साहब से करवा दीजिए। छोटे मियां साहब से कौन बातें करता है? देखें नया पाकिस्तान। आयशा जी तुम्हारी बिस्ती होने लगी जी। चीज नो हाथ ना लाना। अगर तब्दीली की बात हमने करनी है, अब मियां साहब
खान साहब ईद का दिन है, ईद मुबारक। बकवास बंद कर खान साहब, अपना मुंह बंद रख खान साहब। ऐसे शट अप एंड गेट आउट। ईद उठाओ इसको भाई, उठाओ इसको, ये फिर कारपेट गंदा करेगा। उठाओ उठाओ उसको, ये फिर कारपेट गंदा करेगी। खान साहब कारपेट लिए, बिल्ली यहाँ पर पड़ी हुई है, और इतनी बिल्ली पड़ी नहीं होती, बिल्ली बैठी होती है। जी शर्जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? खान साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, आज ईद का दिन है, इतना खुशी का दिन है, आप फिर भी खफा खफा हैं, क्या वजह है? शर्जिया जी, आप खुद इतनी समझदार हैं, ऊपर से मियां वाले की हैं, न्याजी हैं जी। एक न्याजी दूसरे न्याजी का दर्द महसूस कर सकते हैं। दर्द समझदार बहुत फिड़े मुंह, मैं शर्जिया न्याजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे वो आपके फर्स्ट कजन है। नाराज ना हो तो क्या करूँ, और रौनकें तो सारी खबरनाक में लगी हुई हैं। खबरनाक में तो वाकई आज रौनकें लगी हुई हैं। कोई मकड़े के जाले बने हुए हैं दीवारों पे, कोई साफ करने वाला नहीं है। कोई एक पुराना सा बिस्तर पड़ा है, वही कोई मेंटेन करने वाला नहीं है। अमरूद का वो ही दरख्त लगे हैं, उस पर कीड़े लगे हुए हैं, सारा घर काटने को दौड़ता है। ओ, मुझे तो इतने ऊपर बनी गाला के पहाड़ पे चढ़ के किसी बंदे ने भी एक प्लेट सेवैयों की नहीं ला कर दी। तो खान साहब अपनी लाइफ में कोई तब्दीली ले आए, कोई आवाम को खुशखबरी सुनाए, हमारे लिए भी, सबके लिए, और रौनक ले आए अपने घर में। कोई ऐसी ले आए खान साहब जो आपको ईद पर सेवैयां खिला सके। हाँ हाँ, वैसे खान साहब ये राबे और शर्जिया सही कह रही है, कोई इंतजाम कर ले। वैसे अगले इंतखाब भी आने वाले, किसी खातून अव्वल का इंतजाम कर ले ताकि आप उस कुर्सी तक पहुँच सके। आयशा बख्श देखें, अब जिंदगी में क्या तब्दीली आनी है, मुझे ज्यादा ज्यादा ईद वाला दिन बार बार एक ही कॉल आई जा रही है। किसकी आ रही है कॉल सर? शेख रशीद की आनी है, और किसकी? ओहो। और वो मुझे कह जा रहा है खान साहब आपको भी कोई विश करने वाला नहीं है, मुझे भी कोई विश करने वाला नहीं है। खान साहब वो अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सके, अगर आपने उनका रास्ता देख लिया तो फिर आपके हालात भी वही है। वो मुझे कह जा रहा है शेख के आओ कमेटी चौक में दोनों जफी डाले। खान साहब तो उनको सेवियां देने भी नहीं आया, कोई भी नहीं भाजी। जो 1.5 लाख बंदा ताड़ी काल से आ गया सी, तुसी उदो बुए नहीं खोले। और खान साहब शेख नू मिलन ना जाना, उन्हें तो जफी उन्हें पाई जी दे, उन्हें गड्डी दे पैसे देने ने। Nazreen, we're going on a break. Stay with us. Welcome back, Nazreen. Hazir hai break ke baad. खान साहब मैं ये जानना चाहती थी कि आप आवाम के लिए ईद के इस मौके पर कोई मैसेज देना चाहेंगे? कितनी घटिया, हाँ? कितनी बेहुदा, व्हाट? कितनी थर्ड क्लास। अच्छा जी, तुसी जेड़ी गल कहनी होवे सानू क्या करो, असीं अग्गे कह दिया करांगे। ये तो कोई बात नहीं है खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कोई गल नहीं, उन्होंने तुहानू कोई पहली वारी नहीं किया। इतनी घटिया थर्ड क्लास बेडशीटें कौन इस्तेमाल करता है? आप वो ये आउटडेटेड है सारी, इसको बाहर ले जाओ, मैं टीवी पे बात करूं, मुझे बात करने दो। राबे आनम भी बैठी हुई है वहां। खान साहब आप अपना घर टीवी पे बात करने से पहले साफ करवा लिया करें ना। सुजय नाजी भी बैठी हुई है। तो खान साहब इसलिए तो हमने सजेस्ट किया कि कोई रौनक ले आए, सारे मसले हल हो जाएंगे। और क्या रौनक, मेरी जिंदगी में ज्यादा ज्यादा अताउल्लाह न्याजी से शुरू होती है मेरी जिंदगी, और खत्म का होती है शफीजुल्लाह न्याजी पर। नहीं बाज आना आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए आपको। खान साहब वैसे जितने आप चिड़चिड़े हुए हैं, कहीं वहां भी लोड शेडिंग तो नहीं हो रही बनी गाला में? ये मुझसे पूछने वाली बात है, और ये मुझसे पूछने वाली बात नहीं है, और ये इससे पूछने वाली बात है। किससे? इससे। वो जो है मेरे काय जनाब मियां, वो मनवा शरीफ मियां, मोहम्मद शबाज शरीफ मियां, मोहम्मद जमदा शरीफ मियां, मोहम्मद सलमान शरीफ, इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ जो है। बस करें ब्रेक लगा दें। वो जो है तो माशाल्लाह आज तो बेंजामिन सिस्टर बैठी होंगी। जी ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो आप रोज ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते हैं कि लोड शेडिंग का मसला सॉल्व हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो और है, ये मसला कौन सॉल्व करेगा? जी जनाब फरमाइए। ये मसला तो खैर जो है वो सच्ची बात तो ये है कि जो है ना, ये अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है, ये तो हमारे दादाजी भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप हमसे झूठे वादे क्यों करते हैं? खुदा का नाम है शर्जिया जी, मैंने कब आपसे झूठा वादा किया है जो है? मैं तो कभी आपसे बात ही पहली बार कर रहा हूँ जो है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, इन्हीं झूठे वादों में फिर आपने 5 साल हुकूमत गुजार ली है, क्या बनेगा आपका आगे? माशाल्लाह कमीज तुहाडे दोनों दी काली।
روشنی رابیا سونے پھول والی. خواجہ صاحب اس پہ میں آپ کے الفاظ میں ہی کہوں گی, کوئی شرم کوئی حیا, کوئی شرم ہوتی ہے وہ جو ہے, کوئی حیا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے. نہیں مطلب ہے جو ہے وہ چھوڑے نا, عید کا دن ہے, اس دن بھی آپ لوگوں کو بجلی یاد آ رہی ہے جو ہے. تو مجھے دیکھتے کہ آپ کو یہ یاد آ جاتا ہے بجلی بھری ہے میرے یہاں, جو مجھ کو چھوئے گا وہ جو ہے وہ جل جائے گا. آپ کے آنگن کا تو پتہ نہیں, آپ کی باتوں میں خوب بجلی بھری ہے. اچھا ماشاء اللہ آج تو جو ہے وہ دیکھے نا, آشا بخش بھی جو ہے وہ بیٹھی ہیں جی, شرجیہ نیازی بھی بیٹھی ہیں, رابعہ انم بھی بیٹھی ہیں جی. ان میں سے مجھے نا یہ شرجیہ نیازی سب سے زیادہ جو ہے وہ زہر لگتی ہے. شرجیہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حسن اچار کے سامنے بیٹھتی ہے جو ہے. بھائی وہ ہماری اتنی معزز مہمان ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں نا حسن اچار تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, تو غصہ ان پہ ہی نکال سکتے ہیں ہم جو ہے. آپ میں خود تو ہمت ہے نہیں کہ آپ حسن صاحب کو فیس کریں. ہاں تو کیوں ان کو فیس کروں, وہ منگیتر ہیں میری. دیکھیں خواجہ آصف صاحب, ہمارا تو کام ہے, آپ حکومت میں آپ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم تو کوسچن کریں گے. آپ حسن نثار کو کم از کم یہ تو سمجھا سکتی ہیں نا, ذرا ہم پہ ہاتھ ہولا رکھیں. آپ رشوت دینا چاہ رہے ہیں, سفارش لگوا رہے ہیں؟ کتنی پھپھے کٹنی ہو تم. یہ افسوس کی جو ہے وہ بات ہے, میں نے کب یہ بات کی ہے؟ خواجہ صاحب کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے سوچ لیجیے گا, ابھی کیس چل رہا ہے آپ کا. وہ آپ کا کیا مطلب ہے کیا خاتون؟ اچھا ہاں وہ نہیں, میں تو خواتین کی عزت کرتا ہوں. جی جی وہ تو نظر آتا ہے. کس طرح ان دونوں لڑکیوں کی جو ہے نا کینچی کی طرح زبان جو ہے وہ چلتی ہے. انہی کے ساتھ بیٹھی ہے ان کی کلیگ عائشہ بخش, کتنی نفیس کتنی ڈیسنٹ بے شک بننے کی کوشش کر رہی ہے, وہ بھی ایسی ہے میچنی ہے, تینوں ایسی ہیں. خواجہ صاحب تھوڑا آپ بھی بن جائیں ڈیسنٹ, ٹی وی پہ آ کے آپ بات کر رہے ہیں, اپنا طریقہ کار تو دیکھیں بات کرنے کا. اچھا بجلی کا تو مسئلہ انہوں نے پوچھ لیا, پانی کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے. ہاہاکار مچیے, آدھا ملک آپ کا سوکھا پڑا ہے. تم نے کیا ڈیم میں ڈڈو پھڑنے جا کے؟ خواجہ صاحب کوئی خدا کا خوف کرے, عوام کے پاس پینے کو میٹھا پانی نہیں ہے. ہاں تو تھوڑا انتظار کر لینا, چھری تھلے چھا لیں تھوڑا سا. کیا مطلب انتظار کر لیں؟ اب برسات سر پہ ہے, انشاءاللہ بارشیں بھی ہونی ہیں, پر آپ کو پتا ہے ایز یوزول پانی بھی بہت زیادہ آ جاتا ہوتا ہے جو ہے. ہم اتنا پانی نہ آ جائے کہ حکومت ڈوب جائے اس میں. خدا کے لیے آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, آپ میری مشرف صاحب سے بات کرا دیجیے. مشرف صاحب آ گئے, آ گئے, اتنے تیار بیٹھے تھے. ہاں جی میں تو اور وہ اتنے فارغ بیٹھے تھے. بڑی دیر تک بیٹھا بےچارا, جی جھنگ کی بس ڈیگ رہا. کس سے مخاطب ہے؟ مجھ سے یا عائشہ سے؟ رابعہ انم کیا مسئلہ ہے؟ شرجیہ نیازی فرمائیں. واو یہ پیکج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں میرے دل سے جیو کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. پیکج تو وہ ہمیشہ پسند آئے. میں اتنے پیارے پیارے آج گیسٹ بیٹھے ہوئے جی, تو کیوں نہ آپ کو ایک گانا سنوں؟ نہیں جی, میں بھی پوچھنا چاہ رہی کہ آپ باہر کسی گانے کے پیکج پہ گئے تھے تو پھر میرا ساتھ دے رہے ہو؟ نو میں پھر لائن پہ رہوں گا. آپ تو 4.5 سال لائن پر نہیں آئے جناب, اب کہاں آئیں گے؟ عائشہ جی گانا سن لو, جان چھٹ جائے گی تھوڑی. رابعہ میرے ساتھ نہیں چھڑنی, انہوں نے سنائیے. رابعہ میرے ساتھ رپیٹ کرواؤ. بس آج کافی ہے, نہیں آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا, برائے مہربانی دوبارہ کال کر کے شرمندہ نہ ہو. شکریہ. ناظرین we have to take a break, stay with us. ویلکم بیک ناظرین, حاضر ہیں بریک کے بعد. عید کی اس خاص ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آڈینس وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہے گی. اچھا میڈیا کی پازیٹیوٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نیوز سے متنفر ہو گئے؟ مطلب ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی سی بات کا بلا وجہ بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے. پوری تصویر تو یہ نہیں ہے. خیر بریکنگ نیوز کی حد تک کہیں تو کسی حد تک میڈیا نے بھی زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن
कुछ साल पीछे चले जाएं, अगर एक दो साल पहले, तो हमारे ऊपर भी 6-7 साल ऐसा फेज रहा है कि अच्छी खबरें नहीं आती थी देने के लिए, तो ज्यादा ही पता जो सोसाइटी में हो रहा मीडिया दिखाएगा। लेकिन अब व्यूअर इतना शऊर रखता है, उसके हाथ में रिमोट है, उसको लगता है कि न्यूज चैनल उसको सही चीज नहीं रिपोर्ट कर रहा, नहीं दे रहा, तो वो चैनल स्विच करके उस चैनल पे जा सकता है जो उसको सही चीज और सही खबर दे। बिल्कुल, चैनल को पता चलना चाहिए कि व्यूअर मुझे नहीं देख रहा, मुझे किस तरीके से चलना, ये व्यूअर सिखाए अपने चैनल। अच्छा, आप बता रही हैं आयशा, मेरे ख्याल में ये जो बात है कि ब्रेकिंग न्यूज करने का तरीका, उससे लोग मुतनफ़िर हो गए या लोगों को लगता है कि बहुत चीख चीख कर खबरें पड़ी जा रही हैं, चीख चीख कर खबरें पड़ी जा रही हैं, और खबरों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की वजह से लोग न्यूज चैनल से, खास तौर पे न्यूज से नहीं, और अंदाज देखे ना उनका, बागा और अमरीका ने फिर हमला कर दिया है, ये तो हमें लग रहा है पड़ोसी मुल्क के चैनल देखते हैं, वहाँ इस तरह से बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक दौड़ लगी हुई है कि हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की, बिल्कुल, फलां चैनल ने ब्रेक की, मैंने ब्रेक की, आपने ब्रेक की, कहा ब्रेक की। देखिए यही तो बात है, जब जियो कोई खबर ब्रेक करता है तो हमें भरोसा होता है कि सबसे पहले हमने किया, इसलिए हम कहते नहीं है, जो बाकी करते हैं उन्हें बताना पड़ता है कि हमने पहले किए, ताकि किसी को यकीन आ जाए कि जियो ने नहीं की। मैं बात कर रहा था कि आयशा बख्श को जैसे सब मानते हैं, हाँ जी, कि भाई ये बहुत इनकी तलफ़्फ़ुज़ एक एक चीज परफेक्शन होती थी काम, तो राबिया आनम ने भी बहुत की न्यूज कास्टिंग की, तो राबिया कभी कोई ऐसा कोई वाकया बताएं जिसमें फंबल हुआ हो कोई बहुत बड़ा, और कोई बहुत हंसी, कभी हंसी नहीं आती बीच में? मेरे एक साथी एंकर है, उनका एक फंबल मैं आपको बताती हूँ, वजी सानी उनका नाम है। हम अच्छा अभी कह रही थी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, हम जट से उनका नाम बता दिया ना, ये कितनी बुरी बात है सबके सामने वजी सानी का नाम लेना, तो फिर अब ये 3 दफा कहेंगे ताकि सबको पता चल जाए। तो अच्छा, आप वजी सानी की बात कर रहे हैं, वजी सानी का को फंबल बताइए। वजी सानी न्यूज कास्टर है, कोई साइकिल चोर नहीं, अड्डा तुसी रगड़ रगड़ के नाम ले रहे। हम दोनों खबरें पढ़ रहे थे, और जब हम अपने बुलेटिन को ख़त्म करने वाले होते हैं तो हमें कंट्रोल रूम बताता है कि इसके बाद कौन सा प्रोग्राम है, तो हमें उसका नाम लेना होता है। तो शादी हुई थी करीना कपूर और सैफ अली खान की, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री चलनी थी, तो हमें कंट्रोल रूम से बताया गया कि राबिया आपने क्लोजिंग करनी है, कि अब आप देख सकेंगे करीना और सैफ की ज़िंदगी पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। वजी ने कहा राबिया मैं क्लोजिंग कर दूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर दें। तो वजी कैमरे पर आए और वजी ने कहा अब आप देख सकेंगे कतरीना और कैफ की जिंदगी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद मुझे कहना था देखते रहिए जियो न्यूज़, लेकिन मैं कह नहीं सकी, हम सब हो सकता है वजी उस वक्त कतरीना कैफ के बारे में सोच रहे हो। और मजे की बात यह है कि वजी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। चलिए, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसमें आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी हो? नहीं, फंबल तो हो जाता है, इसमें कोई नहीं है कि जाहिर है गलती तो अभी बिल्कुल इट्स स्टार्ट और आई एम लर्निंग, तो फंबल तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि हसन निसार साहब इज सो परफेक्ट जो बोलते हैं, तो उसमें वैसे ही आपको बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाते हो कि आप अगर कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा सा भी इधर-उधर ना हो जाए, क्योंकि उसी वक्त स्नैप कर देते हैं। आप पूरी प्रेपरेशन के साथ उनके सामने बैठती? नहीं, अच्छा, मैं रिस्क नहीं लेती कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा बोलूं जिससे मुझे लगे कि थोड़ा डाउट है और इस पर डांट पड़ सकती है। बड़ी उन्होंने क्लियर पोजिशन ली हुई होती है हर बात के ऊपर, और बड़ा वो बोल्ड बोल देते हैं, बड़ा ब्लंट है वो, आपको नहीं घबराहट फील होती कि ये तो मुझे भी फंसवाएंगे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब जो बात है हम करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। अच्छा, फैंस से रिलेटेड या उनकी इंटरेक्शन से रिलेटेड कोई क्रेजी वाकया आपकी जिंदगी में हुआ हो? कोई खून से किसी ने खत लिखा हो, ब्लेड से बाजू पे A+I=LOVE लिख दिया हो, कोई लेटर्स की कोई इमोशनल कोई खत हो गया? गड्डी खराब हो गई, बंदे पहिया खोलन दे, इहो जिहा बंदा ए 6वां नट तंग करेगा वे। जैवें गली दे नुक्कर ते खलो जाना, भाजी इधरों दी जाना, अगे तंबू लगे। अच्छा, वो बात कर रही थी आप फैंस की, उस बात से पहले एक बात, आपकी टीम बड़ी अच्छी राय रखती है आपके बारे में, बड़ी खुशी हुई। जी आयशा। अच्छा आयशा, 12 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो शुरू से ऐसी बहुत सी चीज़ें रही हैं, स्टार्ट दुबई से किया था, 2.5 साल वहाँ थे, दुबई, कराची और अब लाहौर। लाहौर, तो वो टेलीफोन नंबर चला जाए लोग उसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी की एक्सेस हो जाए तो वहाँ भी मैसेजेस, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती थी कि शुरू में मैं हमेशा से इग्नोर करती हूँ, शुरू में कभी परेशानी होती थी,
लेकिन मैंने टोटली इग्नोर किया है कि अगर कोई कर रहा है तो अपनी जगह कर रहा है उसके साथ है। जो आपने क्रेजी बात है कि बहुत सारी चीजें बेतहाशा लोगों ने की तरफ से परेशान किया, ऐसा एक वाक्या जिसमें आप अपने बाल ही बस नहीं खींचे। मैंने बहुत से वाक्या थे जिसमें मैं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बाजुकात का बेतहाशा, दुबई से लेके कराची और फिर यहाँ लाहौर भी, कराची में भी बहुत कुछ, लाहौर आके भी हुआ। लाहौर का एक रिसेंट वाकया मैं उसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकती, अच्छा थोड़ा सा इस तरह से बता सकती हूँ कि किसी शख्स ने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, नहीं पहुंच सका तो उसने ऑफिस के गार्ड्स को पैसे तक दिए कि किसी तरीके से नंबर या एक मुलाकात। वो बाय चांस ऑफिस के अंदर तक भी आ गया, जिस पर फिर बेचारे गार्ड्स की भी क्लास हो गई थी। समझाया उसको कि भी आप ठीक करें अपने काम, आप इंसान बने, मतलब आप परेशान हो जाते लोगों को नहीं समझते। हेलो भाई, इंसाना वांगू नहीं हंसना। बिल्कुल आयशा, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वैसे खतूत आते रहते हैं, लोग अपने मसाइल भी हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं, अक्सर तो ऐसे भी खत आते हैं जिसमें लोगों ने लिखा होता है कि हमारे घर में ये मसला है, मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे ये बीमारी है और मुझसे पेपर्स में पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो भी हमसे शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब तो सोशल मीडिया, लेकिन राबिया मेरा सवाल है कि अगर पेपर्स में पढ़ा नहीं जा रहा तो आप क्या हेल्प कर सकती हैं? बस ये वो हमें हर वक्त बताते रहते हैं। नुकसान इनका ना, मसला इनका है कि रात भर ख्वाब में ये आती हैं तो पेपर क्या देना। न्यूज़कास्टर खत भी इंजा ही आंदा है, उस तो खास करके माशाल्लाह जे मुंह मत्थे लगदी होवे न्यूज़कास्टर। बस हमारे गांव के बड़े बुरे हालात हैं जी, उधर पानी इतना इतना है, माशाल्लाह आप भी बड़ी खूबसूरत हैं। तो हमारे उधर सारे जानवर रुड़ गए हैं पानी के अंदर, आंखें आपकी बहुत प्यारी हैं। तो इधर क्या बताएं, गवर्नमेंट से अपील करें, खुदा के लिए हमारे तक भी रसाई करें, आप हंसती हुई बहुत प्यारी लगती। एंड तो लिखे होता सी फकत आपका भाई जवेद, हमारे गाँव को भी डिस्कस करें। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत आसानी से वो हमें एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए। आप लोग या सेलिब्रिटीज जनरली बहुत वल्नरेबल भी हो गए, आपकी तस्वीरें फोटोशॉप हो सकती हैं, आपके आपके नाम पे फेक पेजेस बन जाते हैं, और उनको जस्टिफाई या वेरीफाई करना कि वो ओरिजिनल है ऑडियंस के लिए भी बड़ा मुश्किल है। जाहिर है जो आपके फैंस हैं, मद्दा हैं, उनके लिए भी मुश्किल है, और तो आपके लिए भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अभी तो कुछ दिन पहले आयशा ये भी हो गया था कि एक जाली अकाउंट ने पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे आपके नाम पर, वो राबे आलम के नाम से अकाउंट चला रहे थे और कह रहे थे कि मुझे किसी गरीब की मदद करनी है इसलिए पैसे दें। तो मेरे कुछ जानने वालों ने बताया कि ये शख्स फ्रॉड है, जिसको मैंने फिर FIA को रिपोर्ट किया। राबिया, सेम इंसिडेंट हैपेंड विद मी, मेरे नाम से एक अकाउंट चल रहा था, उस पे वो बेवा औरतों के लिए पैसे जमा कर रहा था इंसान, वो जो भी कोई था, आयशा जहांजेब बनके। और लोग बेवकूफ बनते हैं, लोग कहते हैं जी आप दें अपना बैंक अकाउंट नंबर, हम पैसे जमा कराते हैं। तो कुछ भी नहीं आयशा, मैंने आपको ये बात बताई नहीं, मैंने कहा आपका कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा, वैसे ही मैं नहीं बताता। मुझे एक बंदा था वो इसी तरह नेट से मुझे कहे जी कि आप आयशा की मुझे तस्वीर भेजें, क्या तो मैंने बड़ा वो कहे जी कि बड़ी इंसानियत के काम, बड़ी हमदर्द हैं वो, ये हैं वो हैं। तो मैंने कहा यार क्यों आप मांगते हो मुझे तस्वीर, कि जी वो आयशा की तस्वीर दिखा के मैंने अपने बच्चों की फीस माफ़ करवानी है। बड़े घटिया लोग, स्क्रीन सा चेहरा दिखाई देता है, वो देख के मदद करने का दिल करता है। ये मुझे हुआ भी एक साथ होगा और इन्होंने अब आपका नाम लगा दिया। राबिया, अपने फैंस का जो ये हश्र करते हैं ना, इनकी एक बड़ी खास फैन है जो इन्हें हर जगह से फोन करती है, अच्छा? और ये हर जगह से उन्हें ब्लॉक करते चले जाते हैं। भाई अब आप बंदा इन्हें पूछे कि अगर कोई फैन आपको फोन नहीं करेगी तो कौन करेगा? अली आप शर्माते क्यों हैं, आप फैन से बात कर लिया करें। वो फैन बैठी है ना, वो उनसे पूछा। चलिए, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ? फिल ये खैर उनका फैंस का प्यार है जो ये करते हैं, लेकिन कभी कभी वो इस हद तक हो जाता है कि इरिटेटिंग हो जाता है। बिल्कुल। एक फ़नी सा बताऊंगी कि एक फ़ैन मतलब ट्विटर पे वो मुझे फॉलो करता है, तो वो मुझे मैसेज करता है और सबसे फ़नी वो पैसे अपने बेड पे बिछा के और फिर वो मुझे कहता है कि बस एक मिनट के लिए मुझसे मिल लो ये सारे पैसे तुम्हारे, और कभी छुरी ऐसे चाकू रख के यहाँ पे के लो मुझे, वरना मैं आपने कभी जवाब नहीं दिया भाई तू रख के गुजार ले इधर से निकाल ले। जुनून तो उन लोगों का है। इसमें इरिटेट होने वाली कौन सी बात है, शादी कर लें, इतला लोगों तक खबर पहुंच जाएगी तो फैंस का सिलसिला खत्म। मैं निकाह में कर चुकी हूँ। परेशान हो गए,
आप सकते में चले गए हैं न्यूज सुन के? ये है ब्रेकिंग न्यूज के शर्जिया का निकाह हो चुका है। तुसी जड़ा अपना सेरा खरीदे ना उन्हें अग ला दे। अली अली वीर हेलो आप कुछ पूछ रहे थे शर्जिया से? जी हो गई बात शो खत्म कर दे हो गया। तो मैं तो ये कह रहा था ना कि फैन से जान बस छूट गई, वो खत्म हो गई। शादी वाली बात से इरिटेटिंग फैन से जान छूट जाती है तो शायद मेरी भी जान छूटने वाली है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज ये है अली के लिए कि मेरी भी शादी होने वाली है। माशाल्लाह ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। आयशा, मैं आयशा बख्श से सवाल करना चाहती हूँ। वाह, कि आप जब रिपोर्ट कार्ड करती हैं तो वहाँ पे मैंने देखा है, अक्सर ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे 5 स्क्रीन्स लगी होती हैं, आप एक वक्त में सब में कैसे देख लेती हैं? वाह वाह जुमेरा, क्या बात है, ऑब्जर्वेशन देखें आप। हाँ बिल्कुल, मैं देख रही हूं। गैर इंसानी सवाल करती हैं। गैर इंसानी नहीं, वो ठीक है, उसे एक्सप्लेन कर दें आप। 5 नहीं, 6, मेरे साथ 6 लोग होते हैं एक वक्त में जब हम ऑन स्क्रीन होते हैं, मैं अपना कैमरा देख रही हूँ। वाह वाह, सवाल करन तो पहले पूछीदा हुंदा है, चिड़ी दी सस हुंदी है। आयशा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरे दिमाग में बात आई, मैंने पूछ ली। अच्छा, मैं तो चिड़ी की सास पे हंस रही थी, आप पे तो नहीं हंस रही थी। एहो जी कुड़ी दिन दे टाइम उते वेख के कह रही हुंदी है, तो पता नहीं कित्थों आउंदी। तो क्या हो गया है अगर एक लड़की के दिमाग में सवाल आ रहे हैं, व्यूअर्स के जहन में सवाल ऐसे आते रहते हैं। बिल्कुल राबिया, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहती हूँ। राबिया मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सारा दिन टीवी चैनल पे बैठ के खबरें पढ़ती रहती हैं, आपको इतनी खबरें याद कैसे होती हैं? शाबाश, मेरे को तो फुल अंदाजा हो गया है कि बिल्कुल बेवकूफ है। अच्छा भाई, अब दे जवाब। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे सवाल कई लोगों के जहन में आते हैं, हमसे पूछते भी हैं कि आप लोगों को ऐसी खबरें कैसे याद हो जाती हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज होती है वो तो हम खुद से करते हैं, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता, वो हमें जैसी कोई खबर पता चलती है और हमें एक्सटेम्पोर बोलना पड़ता है। लेकिन जो बाकी बुलेटिन होते हैं उसमें हमारे सामने की स्क्रीन होती है, हम उससे पढ़ के खबरें सुनाते हैं, उसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। जुनैरा, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन राबिया जब आप रिपोर्टर से बात कर रही होती हैं तो आपको कैसे पता चल रहा होता है कि रिपोर्टर कहाँ खड़ा है, क्योंकि आपको तो नजर ही नहीं आ रहा होता। देखिया जी राबिया जी कितनी अच्छी गल्ल पूछ रही, एहो जी कुड़ी खरबूजा अगे रख के सोची पई होंदी इहदे च बी पाउंदा कौन है। असल में हमारे पास पूरी टीम होती है जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, और वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि कौन सा रिपोर्टर कहाँ खड़ा है, हमें नहीं पता होता लेकिन वो हमें बता देते हैं। अच्छा, रिपोर्टर होंदे कोल होर कुछ चिल्ला कट के सहाफी नहीं बनता बंदा। पागल हैगी ओ, ते मानो लारी अड्डे जाके कहंदी भाई ये पिंडी वाली बस पिंडी जाएगी। शर्जिया आप बताएं कि जब आप हसन निसार साहब के सामने बैठती हैं तो आपको इतनी ढेर सारी तारीखें कैसे याद रहती हैं? मुझे तो अपनी सालगिरह की तारीख भूल जाती है। सारा कुछ आज ही पूछ लेना, कल तू रहीम यार खान चली जाना। आज ही पूछ ले, कल तेरा कोई पता नहीं। एहो जी कुड़ी माना है, मैं मामू अब्बे नु पापा भी कह ली था ना। उसने इतना मासूमाना क्वेश्चन पूछ लिया है तो मुझे आंसर कर दे। मासूमाना नहीं है बेटे, जाहिलाना है, ये बेवकूफाना है। अच्छा भाई जवाब तो सुनने दे। देखिए ऐसे नहीं होता, हम प्रॉपरली तैयारी करते हैं, ये नहीं है कि हम आ गए और बस आके सेट पे बैठ गए और बातें करना शुरू कर दिए। प्रॉपरली प्लानिंग होती है, डिस्कस करते हैं कंटेंट और उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या बात करनी है, हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या डिस्कस करना है। जाहिर है उसके पीछे ढेर सारी रिसर्च होती है और रिसर्च पे डिस्कशन भी होती है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही थोड़ी होता है। ए ते पागल कुड़ी है, ते मंगल वाले दिन गोश्त लभन टुरी होंदी है। ए नहीं पता भी नागा होंदा ए जी कुड़ी ते रज के रोटी खा के इस गल तो परेशान होंदी है, आज डकार नहीं आया। अच्छा वैसे मंगल वाले दिन आजकल गोश्त मिल जाता है? ओ मिलदा स्टोरां तो, कसाईयां दे फट्टे ते बंद होंदे ने, बस तू ते फट्टे दे थल्ले ही होना है। दिखा सकती हूँ। नहीं तो ये हमारे खबरनाक के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी डब स्मैश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, आप आवाज निकाले और फिर उनकी पुर्तियाँ चेक करें। अच्छा चलें, शराबी फिल्म का सीक्वेंस है। आपने भी क्या ढूंढ के निकाला है। और उसमें बाप बेटा और मुंशी तीनों बातें कर रहे हैं। अच्छा वो वाला मशहूर डायलॉग। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें करते हैं। विकी बेटे, तुमने जिंदगी भर शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है?
बचपन से जो शराब की बोतल के साथ एक लेबल की तरह चिपके तो आज तक उस लेबल से जुदा नहीं हो सके। हाँ डैडी हाँ, अगर मैं शराब की बोतल के साथ एक लेबल की तरह चिपकाऊं तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप। आज तक आप बोलते रहे और अपन सुनता रहा, मगर आज अपन बोलेगा और आप सुनेंगे। अरे वाह 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 बरखुरदार वाह, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बस अली मीर ऐसे ऐसे काम करवा देता। नहीं अच्छा तो आप अमरीश पुरी की आवाज में चलते हैं। आप इतनी खूबसूरत हसीन लड़की से अमरीश पुरी की आवाज निकलवाएंगे? अमरीश पुरी की वो जो आवाज फिल्मों में आती थी ना, वो भी खूबसूरत और हसीन लड़की देख के आती थी। सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, इस लड़के से ज्यादा खुश तुझे और कोई नहीं रख सकता। ओए ओए शर्म आ गई लाजो। हम तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहता हूँ। ओए ओए शर्मा गई लाजो। राबिया इसमें तो आप थोड़ी थोड़ी अमरीशपुरी लग रही हैं। मेरी आंखें इतनी खोल गई हैं। मुझे खुद अपना आप अमरीशपुरी लग रहा है। अच्छा अगर शक्ति कपूर करें तो राबिया वो कैसे करेंगी? आओ। नहीं ऐसे नहीं ना, फिर ऐसे करें। आओ ललिता। मैं जब भी कोई तुम जैसी खूबसूरत लड़के लाल रंग के कपड़ों में देखता हूँ तो मेरे अंदर सौ काले कुत्ते साथ भौंकते हैं। आओ आओ आओ। थैंक यू अली, आपने मुझे इतना अच्छा काम सिखा दिया। बहुत अच्छा काम। अब आप न्यूज कास्टिंग के साथ साथ ये भी कर सकती हो। अच्छा ये तो हो गए एक्टर्स, अगर आपके फेवरेट सिंगर एसपी बाला का कोई गाना हो और इनका डब स्मैश हो। बाला नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनका डब स्मैश मुमकिन नहीं है। एसपी बाला की आवाज के ऊपर राबिया अनम का मुंह। ये कितने मजे की लगेगी यार, प्लीज। अच्छा एक ट्राई तो करना। अच्छा कौन सा गाना करेंगे? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जाने के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। ओ, 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 एरा बेरा। भाई हमारे पास अगर एसपी बाला ये देख ले कभी तो वो कोई और गाना ना गाते। अगर इमरान खान का डब स्मैश कर रही हो। आयशा तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो। ऐसे पहले आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसाफ नहीं है, पीने के लिए पानी साफ नहीं है, ऊपर से जुडिशरी आजाद नहीं है, ऊपर से मेरी आंखें नहीं खुलती। मियां साहब, आप मियां साहब जान दो, साड़ी वारी आण दो। इतनी अच्छी डब स्मैश। बस इमरान खान के जलसे दिखा दिखा के हम खुद इमरान खान जैसे हो गए। अच्छा अगर बिलावल की डब स्मैश करें तो वो कैसी होगी? बिलावल का तो वो बड़ा फेमस डायलॉग है ना, खून की बाजी वाला, वो कर लेते हैं। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, गुर्दे मांगोगे गुर्दे मिलेंगे, फेफड़े मांगोगे फेफड़े मिलेंगे, मेरा ख्याल है सारे दो दो किलो कर दियो। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। आयशा हमारे साथ मौजूद है, नई साल कोटी। आप उन्हें चैलेंज करना चाहेंगी? चैलेंज कर लेते हैं, प्रोग्राम से मुतालिक पूछ लेती हूँ। चले पूछे।
रिपोर्ट कार्ड को दो साल मुकम्मल हो रहे हैं अभी ये जून में, 22 जून को। दो साल में हमने हर हफ्ते 5 प्रोग्राम किए हैं और हर प्रोग्राम में हम तकरीबन 2 सवाल लाजमी होते हैं, 3 भी लेकिन एवरेज 2 पे रखते हैं। 2 सवाल 5 दिन हफ्ते में, तो 2 साल में कितने सवाल कर लिए हमने? नहीं भाई, रिपोर्ट कार्ड अगर 2 साल चला हो और हर हफ्ते 5 प्रोग्राम किए हो और हर प्रोग्राम में 2 सवाल किए हो, तो कितने सवाल हुए और कितने प्रोग्राम हो गए 2 साल में? चलो ये तो नहीं भाई नू पूछ ले, नहीं पहले आयशा बख्श साहब नू पूछो, इन्नी को सेहत नाल एडे सख्त सवाल ले आंदे कितों ने। मैं कह सिर्फ आयशा जी सवाल ही किए ने या कोई जवाब भी मिले ने, दिल करे सवाल करते रहे अगले कह माफ कर बाबा माफ कर, नहीं जवाब भी मिल जाते, कभी नहीं भी मिलते। आयशा जी मैं तो आपको मुबारक पेश करूंगा इस बात की कि तुसी एडे बुजुर्ग बाबियां नाल बह के शो कर रहे हो। ऊपर से आप टाइम देते भी, इतने टाइम में आपने जवाब देना है, तो जिन्हें बुजुर्ग साफी ने उन्नी देर चो दवाई खाते बेचारे। सारी सोच दवाई से शुरू होती है और दवाई पर ही खत्म हो जाती है। इन्हें दवाई की वैसे ही बड़ी टेंशन है। क्यों? ये तो मेडिकल स्टोर वाले नु पूछन ना सदर केड़ी साइड दे, कहना छड़ सदर नु तू सिरप ला मेरी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। दाद देनी चाहिए, वो इतनी फिट है। नहीं आप ठीक कह रही हैं, सेहत तो माशाल्लाह वाकई उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन पखा तेज चल रहा है ना, अगो नहीं लंघना तुसी कभी। आप पिछो भी ना लंघना, नहीं तो पखे दे विच फस जाओ। और के जिधर पखा लगा उधर जाना ही नहीं। यार तुसी अपनी गल करी है, अली मीर दे देखो किवें खुश। अज दे भरा हैप्पी है, लगता रोजियां च सिर्फ भरा दी सुनी गई। जी नहीं भाई, कितने सवाल और कितने रिपोर्ट कार्ड के प्रोग्राम्स हो गए? 500 रिपोर्ट कार्ड, 240 सवाल। वाह 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 वाह, 20 रिपोर्ट कार्ड के प्रोग्राम और 10 से 40 सवाल में से हसन निसार साहब ने सिर्फ 10 सवालों का जवाब दिया। हसन निसार साहब दे देते हैं बस सवाल उनकी पसंद और मर्जी। अच्छा राबिया, आप कोई सवाल करना चाहेंगी? अच्छा आयशा ने क्योंकि रिपोर्ट कार्ड का सवाल पूछा है, मैं 5 साल से न्यूज़ बुलेटिन कर रही हूँ, तो मैं पूछूंगी कि अगर मैं रोजाना न्यूज़ बुलेटिन करती हूँ 5 साल से और उसमें मैं रोजाना अंदाजन 6 ब्रेकिंग न्यूज़ करती हूँ, तो मैंने 5 साल में कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ की है? नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, ब्रेकिंग न्यूज़ बढ़ा लें। आहो इतने पता भी तो नहीं ना चलता है, कहने बंदा नहा के निकला ब्रेकिंग न्यूज़। अगर बंदा आप जैसा हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही होगी। नहीं मैं समझ गया, खाली खबरनाक नहीं, खबरें भी जुगता शुरू हो गई। लेकिन वाजिद आपको खुशी तो हो रही होगी, आपको बंदा बोला है इन्होंने। अच्छा नहीं भाई, अगर 5 साल से न्यूज बुलेटिन कर रही हूँ और हर रोज 6 ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ, तो 5 साल में कितनी ब्रेकिंग न्यूज दी है इन्होंने? भावे अपनी ब्रेक फेल हो जाए। जी नहीं भाई, 10,900 ब्रेकिंग न्यूज। आपको जवाब मालूम है? ये सही होगा जवाब, क्योंकि ये तो कोई जवाब गलत नहीं देते। सही होगा क्यों, हुण तो 8 बजी सवाल कीता तो जवाब लेके बैठो ना, पहले कि साडा ऐ सवाल है ऐ दा जवाब। मुझे भरोसा है खबरनाक के पूरे स्टाफ पर। ऐसा लेनी फसल नहीं हुई जितनी ब्रेकिंग न्यूज हुई। अच्छा राबिया जी, आप न्यूज़ बुलेटिन करती हैं, घर के काम नहीं करती? जी बिल्कुल, घर के काम भी करती हूँ। बस किस दिन बुलाओ सानू, अपने आधी रोटी खो, खबरें सुन सुन मरण वाले हो गए। बड़ी अच्छी गोल रोटियां बनाती हो। असि कभी सोचे ही नहीं होगा कि जेड़े बंदे ये खबरें देंदे ने कि बस उल्ट गई, 20 बंदे मर गए, वो रोटी भी अच्छी पकाउंदे होणे। ते सोणे जी ओ जी, रोटी ने पका के देनी तो मर तां भी जाना, मैं तुहानू दस दिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।